हाय वाला एच वो हाय नहीं, वो हाय भी नहीं है, वो वाला भी नहीं है. एनीवे, जय गुरु जी. बहुत सारा प्यार, सारी गुरु जी की संगत को. और मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं? गर्मी हो रही है, बट थोड़ी सी गर्मी अच्छी है. सुबह ठंड लग रही है, दोपहर को गर्मी, शाम को फिर ठंड. सो आई गेस सारे मुस्कुराओ पहले अच्छे से. हाँ जी, दांत ही नहीं दिख रहे किसी के. कोई बात नहीं, टेढ़े मेढ़े हो तब भी चलेगा, दांत तो है ना कम से कम. ठीक है, ओके. बस अरदास तो गुरु जी से यही रहती है कि हम ना बहुत भाग्यशाली हैं. हम बहुत भाग्य वाले हैं कि जो हमें गुरु का दर मिला. हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इतने जन्मों से भटकते भटकते ये जो अपनापन गुरु जी ने दिया है ना हमको, ये जो प्यार बरसाया है गुरु जी ने, मुझे नहीं लगता ये कहीं पर मिल सकता है. कोई जानता है, आप किसी को नहीं जानते, आप घर में बैठे हो किसी के, है ना. कोई भगवान और उठा के देख लो, कीर्तन मंडली कहीं भी, वहां कहेंगे हम तो इसको नहीं जानते, आप कहाँ से आए हो जी, कौन हो. यहाँ पर तो कोई पूछता ही नहीं है, अच्छा संगत है, आ जाओ बैठ जाओ. मतलब ये सच बात है कि यहाँ पर जो अपनापन है, आप जानते ही नहीं हो किसी को, तब भी आपको ऐसे लगता है कि वो संगत है. वो जो भी आई है, चाहे वो गुरु जी को मान रही है नहीं मान रही है, आपको कुछ नहीं मालूम, अच्छा वो संगत है, उसको खिला पिला के बिठा के अच्छे से करते हैं. क्यों? क्योंकि ये अपनापन है. ऐसे ये गुरु जी की एक, जिसको कहते हैं ना, एक तो चार लोग एक थाली में लंगर करते हैं, ये गुरु जी की सबसे यूनिक चीज है. एक गुरु जी ने अपनापन दिया कि आ जाओ, मतलब आ जाओ तुसी भी, आ जाओ तुसी भी, आ जाओ. अब सत्संग होता है तो हाउसफुल जब तक ना हो और कोना भरा ना हो तो मजा नहीं आता. कोई कहता हमने नया घर खरीदा है, 10 लोग ही बुलाएंगे संगत में. मैंने कहा सी जी नहीं, हाँ साडा ते काम नहीं होएगा भाई. अगर घर खरीदा है तो पूरा घर ब्लेस होना चाहिए ना, जैसे योगिता के ने भी खरीदा. और इसका एक एक कोना, जगह ही नहीं थी चलने की, टाप टाप के हम जा रहे थे. तो वो जो हर कोना, जब संगत आती है ना तो आपका घर ब्लेस हो जाता है. जब संगत आती है और हर कोना आपका घर का भर जाता है तो समझ लो गुरु जी भी उतनी ही ब्लेसिंग्स के साथ आपके घर आए हैं, वो भी इंजॉय कर रहे हैं आपका घर. तो इसलिए जब हम सत्संग रखते हैं तो डर के मारे नहीं रखना, दिल खोल के रखो. जितनी संगत आए, जितना घर भर जाए, वॉशरूम 10 बार गंदे हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिल बड़ा होना चाहिए. कई बार घरों में हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े घर देखे हैं, पर टेंशन के मारे वो कहते हैं ओ गॉड, वी कैन, हम तो ना 50-60 लोग, 80 लोग. तो एक दिन किसी के यहाँ सत्संग था, हम गए तो कहती है मैं ना सिर्फ 50-60 सत्संग. मैंने कहा घर शायद छोटा होगा इसलिए मैंने कुछ बोला ही नहीं उनको. जब मैंने वहां जाके देखा तो ये बड़ा घर, मैंने कहा मैंने सोचा आप 50-60, मतलब मैंने सोचा छोटा घर है, किसी को ना शर्म के मारे कुछ कह भी नहीं सकते. तो मैंने वहां जाके देखा, मैंने कहा 5 कमरे सारे खाली पड़े हुए यार, हम इतने पिद्दे से, इतने 50 लोग उसके ड्रॉइंग रूम में इतने बड़े. मैंने कहा दिल बड़ा रखो जी, अगली बार अगर सत्संग कराना है तो हाउसफुल होएगा तो ही हम आएंगे, अदरवाइज हम नहीं आएंगे. क्यों? आप सेवा मिलती है आप सबको, जितने भी आए हैं सेवा भी मिलती है, आपको रस भी आता है. आप देखो किसी ने, किसी को आज रस ना आया हो, हम सबको इतना रस आ रहा होता है. 4-5 लोग बैठते हैं घर में भी तो हम शब्द कीर्तन सुनते हैं, बट जो सत्संग का रस है उसको आप कहीं नहीं बीट कर सकते. आपको 2 घंटे चैन से शब्द कीर्तन सुनने को मिले मिले ना, घर में 2 घंटे बैठ जाओ, घंटी बज जाएगी, कुछ काम याद आ जाएगा, वॉशरूम 10 बार चले जाओगे, 4 कबूज फोन आ जाएंगे. बट यहाँ, यहाँ कुछ नहीं. आपने पूरा टाइम क्या किया, डेडिकेट किया 2 घंटे, किसके लिए किए? अपने लिए किए, क्योंकि आपको जरूरत है. गुरु जी को जरूरत नहीं है कि आप 2 घंटे टिक के बैठ गए हो शब्द. आपने सीखना है पहली बार, आपने जब जुड़ना है, वो कहते हैं ना नाम लेके जाओगे, इतने सुंदर कपड़े तो मैंने पहन लिए, किसके लिए, शरीर ढकने के लिए तो पहने हैं ना, और मैंने खाना भी खाया शरीर के लिए, जैसे आज हरबंस सिंह जी ने बोला, सब कुछ घर भी अच्छा बना लिया, किसके लिए, वो भी शरीर के लिए, दिखाने के लिए या शरीर के लिए, दोनों के लिए, चीजों के लिए होता है. बट ये जो रस है जो यहाँ पर है, वो जो गुरु जी बरसा रहे हैं, ये सिर्फ हमारे को 2 घंटे जो मिलते हैं या 1 घंटा मिलता है या 1 शब्द मिलता है, उसमें जो रस आता है यही हमारी कमाई है, एक्चुअल कमाई.
बाकी तो हम पार्टीज भी कर लेते हैं, खा पी भी लेते हैं, बट जो ये 2 घंटे का ऑरा है, ये जो 2 घंटे का देखो गुरु जी के नूर बरस रहे हैं। जब हम आए थे तो बेचारे फीके फीके से लग रहे थे, नहीं मेरे को तो, मैं तो इनको देख रही, जब मैं ऐसे बैठी तो मैंने कहा लो ये भी, इनको भी तो नूर चढ़ गया, इनको भी नूर चढ़ता, हम सारों को नूर चढ़ जाते हैं, है ना, वो जैसे लाल हम भी सारे हो जाते हैं। सो ये गुरु जी की बढ़ियाई है और गुरु जी को बहुत सारा थैंक यू है कि हर दुनिया में हर कोने में गुरु जी ऐसे ही रस बरसाते हैं, ऐसे ही सत्संग की रूपरेखा है, ऐसे ही हमको जुड़ना आ गया और ऐसे ही हमको लगा कि हम, हमें अंदर एक टिकाव आ गया, हमें ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी के हैं, यू नो, किसी परमात्मा के, किसी भगवान के, कोई हमारा हो ना हो बट एक हमारा वो हमारे गुरु जी है जो हमें अपना मानते हैं। दुनिया में सब छोड़ जाएंगे बट ये हमेशा याद रखना कि गुरु जी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, आपको इतना हरा भरा कर देंगे, टूटे हुए होते हो ना उसको बहुत स्ट्रांग बना के उसको दुनिया के सामने पेश करते हैं, वो कहेंगे ले अभी तक काया ही पलट हो गई, आप देखोगे आप सबकी काया पलट हुई, अपने अंदर झांक के देख लेना, कोई ना कोई कहाँ घरों से निकाल के हमारे जैसी हाउस वाइफ को, 2 बच्चों की माँ को निकाल निकाल के सत्संगों में कहाँ कहाँ हम घूमते हैं, है ना। तो ये सब उनकी ग्रेस है, उनकी मेहर है कि हम सबको ये प्लेटफॉर्म गुरु जी ने दिया, एक ये हमें एंजॉय करने का, गुरु जी कहते खुश रहो, आप यहाँ आनंद लेके आए हो ना, आनंद लेने आए हो, आपने कपड़ा अच्छा सिलवा लिया आप खुश हो गए, बस यही बात हुई ना, 4 दिन बाद तो उस कपड़े को आप देखोगे भी नहीं, है ना, वो सब एक पल भर की खुशी है। आप गोलगप्पे खाने जा रहे हो आपको खुशी है, आपको स्वाद लग रहा है आप खा रहे हो, खुश हो गए, बस अल्टीमेटली खुश ही हो गए ना। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जो भी जीवन में आप काम करो उसमें खुश हो, जिंदगी में आप खाना पका रहे हो, अपने घर का देखभाल कर रहे हो, बच्चों को देख रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे खुश होके, और उसमें खुशी आनी चाहिए। अगर वो बोझ है तो आप खुशी नहीं है तो फिर फायदा क्या उस चीज का, फिर तो आप ऐसी ड्यूटीज बजा रहे हो, है ना। तो अल्टीमेटली अल्टीमेट गोल हमारा और गुरु जी का यही है कि आप खुश हो, अंदर से खुश हो, सत्संग में आओ खुशियां लेके जाओ, जहां जाओ खुशियां बांटो, वही मुंह सड़के अपना लटके हुए जाओगे कोई नहीं आजकल देखता, वो कह रहा साड़ी अपना ही रोना नहीं मुकद, वो बोला रोना की अस्सी सुनिए, है ना। तो गुरु जी कहते ना तू अपना रोना सुना ना मैं किसी का रोना सुनू, सिंपल सी बात है, 2 पल मिले चल चाह पीने चलो गए का। सो रोना धोना जो करना है वो गुरु जी के आगे कर लो, अपना सारा दिल का हाल खोलो, गुरु जी ये हो गया वो हो गया, 10 लोगों ने मुझे गालियां दी, 10 लोगों ने प्रशंसा की, जो कुछ है उनके सामने रख दो, फिर दुनिया के सामने रखने की जरूरत नहीं है, तो वो पर्दा आप ही रखते हैं, हमारे को ढकते भी वही है, हमारा जीवन भी सवारते हुए। चलो मैं सत्संग सुनाती हूँ, लेक्चर काफी हो गया। सो मैं चाहूंगी कि कोई और भी सत्संग करे। आप देखो ना गुरु जी ना आपकी छोटी छोटी चीजें और बारीकी से आपको देखते हैं, हर उनको पता होता है कि कैसी बारीकी है। चलो आज मैं एक सत्संग सुनाती हूँ कि एम ब्लॉक मार्केट का सत्संग सुनाती हूँ। उस दिन भी मैं कहीं ऐसे हम लोग बैठे थे तो हमने एम ब्लॉक मार्केट का सत्संग किया था। तो जब गुरु जी चोले में थे तो मुझे कहते थे कि मेरे ना मन में आता था कि मैं गुरु जी का प्रचार करूँ और मैं सबको लेके जाऊँ, ऐसा मन था, ऐसा बड़ा मन था कि सबको पकड़ पकड़ के ले जाऊं, क्योंकि गुरु जी इतने सुंदर परमात्मा, इतने खूबसूरत खुशबू वाले, मेरा मन था कि, क्योंकि आपके मन में था कि इसको भी ले जाऊं, मेरा सच में इतना मन होता था, मेरा मन था, मैं गुरु जी को बोल देती थी मन में, देखा मन करता है सबको ना वहां से निकूल के, और निकूल के ना घरों से घसीटते हुए लेके जाऊं, चलो चलो चलो, यू नो ऐसी वाली भावना होती थी, और ऐसे मन करता था। मार्केट में कोई मिल गया, कोई मुझसे ना 500 रुपए मांगने आया कि मेरे को, यू नो एक लेडी आई मेरे पास, गुरु जी के नाम की बात बता रही हूँ, एम ब्लॉक मार्केट में घूम रही थी तो वहां एक लेडी आई मुझे, अब गुरु जी के कैसे तरीके हैं मैं नहीं जानती, बहुत सिंपल सा सूट, ज्यादा बहुत घिसा हुआ सूट पहना हुआ उसने, और एम ब्लॉक जी के वन मार्केट में मेरे पास आई, बूथ से की वाइट बाल थे, मुझे मेरे को ऐसे नॉक करके बोलती है डू यू हैव 500 रुपीज विद यू। मैंने उसको देखा, मैंने कहा मतलब कोई ऐसा नहीं आपसे मांगता, पहले तो मैं ऐसे हो गया, यू नो वॉट आई रियली नीड 500 रुपीज, ऐसे ही बोला मुझे, मैंने कहा ये आई गिव इट टू यू
यू नो व्हाट, आई एम एजुकेटेड, डोंट, आई एम नॉट अ बेगर, बट आई डोंट नो व्हाई आई हैव टू आस्क 500. मेरा ना भाई बहुत बीमार, आई डोंट नो व्हाट टू डू, सो कैन यू गिव मी 500 रुपीस. और वो मुझसे इंग्लिश में बोले और मुझे सारी पता नहीं कौन सी चीजें, शी जस्ट स्पोक टू मी इन इंग्लिश एंड आई सेड ओके आई विल गिव इट टू यू. मैंने पता है क्या किया, मैंने कहा वहां पर दुकानदार नहीं होते पटरी पे स्ट्रीट में, माँ से वो पेपर पेन लिया, मैंने उसको बोला ऐसा एक गुरुजी है, मैंने बोला कि ऐसे एम्पायर स्ट्रीट में बैठते ये एड्रेस है और ये कह रहे विच नंबर बस को, बस आई डोंट नो अबाउट द बस पार्ट बट इफ यू टेल मी वेयर यू स्टे गिव मी अ नंबर. शी सेड आई एम नॉट रिच, आई हैव नो मनी, हाउ डू आई डोंट हैव अ मोबाइल. सारी बातें उसे मैंने इंग्लिश में कर डाली. मैंने कहा ये क्या चंबा है, मैंने इसको एड्रेस दिया ऐसे गुरु जी है सब ठीक करेंगे, यू नो ही सॉर्ट इट आउट अंग्रेजी में जो भी बोलना था. अब बोला मैं ऐसे करके इट्स लाइक मैंने उसको वो दिया एड्रेस वगैरह, ओके ओके आई विल सी, जो भी देना था पैसे वैसे दिए. मैंने कहा चल बहुत गरीब है क्या फर्क पड़ता है, मैंने ऐसे करके मुड़ के ऐसे वो नोट पैड उसको दिया, जब तक देखा वो गायब. मैंने कहा यार ये अजीब अजीब किस्से, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं, मैं सीधा फिर गुरु जी के पास गई. तो मुझे गुरु जी उस दिन कहते हैं एन जगह एम ब्लॉक मार्केट जाना है, एक एक दुकान पे जाके तू सत्संग कर. मैंने और शॉर्ट विच, मैंने कहा अच्छा गुरु जी अब शॉर्ट में सत्संग कैसे किया जाए. तो एक दिन मैं एक दुकान पे गई, किसी ने बोला जी हमने ये गुरु शुरू मानते हैं आप जाओ. नहीं हम अच्छे कपड़े पहन के जाते थे, ऐसा नहीं है कि हम कोई टेढ़े मेढ़े कपड़े पहन के जाते थे कि हमारी कोई बात ही ना सुने. तो हम वहां गए तो पहली दुकान पे तो मैं 10 मिनट गुरु जी के बारे में बोलती रही, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई क्योंकि गुरु जी ने बोला था शॉर्ट में सुनाना है, और मैं 10 मिनट ना बोलते बोलते मैंने कहा मैं कहा थी, मैं खुद ही गोल गोल घूम गई, अब शॉर्ट में कैसे सुनाया जाए. और दूसरी दुकान पे जब प्रिंस पान वाले उसके पास भी मैं गई, गोलगप्पे खिलाता है जो, तो मैं उधर भी गई. तो मैंने उसको ये बात बोला, मैं कहा ऐसा है इस धरती पे ना परमात्मा आए भगवान आए हैं बड़े युगों के बाद, तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं ब्लेस हुई आप भी ब्लेस हो जाओ. और चलो ऐसे बड़े मंदिर के बारे में एक उस दिन इन्विटेशन कार्ड भी था कि कोई शिवरात्रि थी या बैसाखी का फंक्शन था तो हमको कार्ड्स मिले थे बांटने के लिए, तो मेरे को भी इतने ढेर मिले हुए थे तो मैंने वो जाके एक एक बांटा, बड़े मंदिर का एड्रेस और पीछे सारा मैप बना हुआ था, सबको बुलाया, किसी ने चाय पूछी, किसी ने दूर से ऐसे कर दिया जैसे पता नहीं कोई मांगने वाले आते. हम टेलिंग यू इट वाज नॉट इजी, शर्म भी आई दुख भी लगा, देखो हमें मतलब बेइज्जती भी होती है ऐसी बात नहीं है. तो ऐसी मैं जाती थी तो नीरज को मैंने बताया ऐसे गुरुजी ने मुझे यू नो एक सेवा दिया या मुझे बोला है यू नो करने के लिए, तो उसको तो ताव चढ़े मुझे खुशी हो. तो कह रहे कि ये क्या है तेरे को पता नहीं है, तो और कोई नहीं मिला गुरुजी को, मैं आज जाके बात करूंगा गुरुजी से कि इसको क्यों दुकान दुकान पे कौन जाता है. मैंने कहा नहीं 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 अच्छा मैं नहीं जाऊंगी. फिर मैं कह रहे तू बाज नहीं आएगी, मैं कहा नहीं नहीं मैं जाऊंगी नहीं मैं करूंगी नहीं, मैं बस अपना काम मार्केट तो जाना होता था और बाज नहीं आना. एक दो को पकड़ ही लेती थी एक दो दुकानें जाके, वो उनके मालिक बैठे ना बैठे जो वहां पर काउंटर्स पे होते थे उन्हीं के साथ बैठ के गुरुजी का सत्संग कराती थी या उनको बोलाती. तो फाइनली जब मैं जिस दिन से वापस आई थर्सडे का दिन था जब मैं मार्केट से, कहना फिर आज मैं गुरुजी को जरूर कहूंगा. मैं कहा नहीं नहीं बिल्कुल मत कहना, वो गए नहीं उस दिन. जैसे ही मैंने मत्था मैंने कहा आगे से नहीं करूंगे, जैसे ही मैंने मत्था टेका तो गुरुजी कहते एम ब्लॉक मार्केट गई सी. मैंने कहा हाँ जी सत्संग कितना सी. मैंने कहा हाँ जी. कहते करा कर बस. मैं कहा मेरा तो स्टैम्प लग गई, अब जो डांटे फाटे जो करना है करे, हमें कोई लेना देना नहीं है. तो ऐसी एम ब्लॉक गुरुजी कहते थे कि मैं ना एम ब्लॉक मार्केट जाना है ब्लेस करने वास्ते, उधर हाल बड़ा माड़ा है. और वाकई में उस टाइम पे ना उन दिनों एम ब्लॉक मार्केट और उसके बाद उनके सारे बेसमेंट सील हो गए थे और बहुत बुरा हाल हो गया था कि वर्कर्स जो एम्प्लॉयज हैं उनकी भी जॉब्स चली गई, बेसमेंट सारे सील हो गए. बहुत फर्क पड़ता है ना, एक का नुकसान उसके साथ 10 का नुकसान हो जाता है. तो मैंने कहा ठीक है, फिर गुरु जी ने चोला छोड़ दिया. तो 2008 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ सितंबर की बात है, मैं भी वहां पर मैं ना फिर गुरुजी के जाने के बाद भी वहां पर एक एक दुकान पे जाके कई बार गुरुजी के बारे में बताती थी और सारा जो भी गाइड करना होता था कहाँ है मंदिर कहाँ. तो वहां पर मैं प्रिंस वाले के सामने एक ज्वेलरी शॉप है, मैं ऊपर वहां पर सत्संग करी थी और 6 बजे मैं वहां से निकल गई. और जैसे ही मैं वहां से निकली तो यू नो नीरज का फोन आया, तू कहाँ है एम ब्लॉक मार्केट में तो नहीं घूम रही. मैं कहा नहीं नहीं मैं तो निकल गई हूँ, मैं अपनी डॉटर को पिकअप करने जा रही हूँ सीआर पार्क. कह रहे वहां तो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ. मैंने कहा अभी तो मैं निकल के गई हूँ, बॉम्ब ब्लास्ट कैसे हो गया. और 3 जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उस दिन, आई थिंक बाराखंबा रोड गफार मार्केट और एम ब्लॉक मार्केट. एंड सरोजनी नगर नहीं, सरोजनी नगर तो अलग इंसिडेंट हुआ.
नहीं, दो सीपी में, एक सीपी में हुआ था, एक गफार मार्केट और एक एम ब्लॉक, थ्री ब्लास्ट हुए थे। तो बाराकम्बा रोड और गफार मार्केट, ये दोनों में बहुत सारी जाने भी गई थी और काफी नुकसान हुआ था। बट एम ब्लॉक मार्केट में एक भी जान भी गई थी, उन्हें थोड़े शीशे टूटे। जब मैं वहां से निकली और वहां सत्संग करके निकली, और जिस जगह से सत्संग करके गई थी उसके नीचे ही ब्लास्ट हुआ। मैं गुरु जी को मैंने बोला अब तो यहाँ पर सत्संग करना ही करना है, गुरु जी कैसे आएंगे। तो बीचों बीच एम ब्लॉक मार्केट में हमने सत्संग किया और कुछ आइडिया नहीं, कुछ नहीं, कभी जिंदगी में सत्संग नहीं किया। होता के आसन क्या लगाना, कैसे करना, मार्केट के बीचों बीच हमने किया स्पीकर 12 से 5 बजे तक लंगर शुरू कर दो, पीछे से शुरू कर देना सारे, है ना। और ये सब किया तो फिर गुरु जी, और ऐसी कितने संगत आई जो चलते फिरते शॉपर्स हैं वो भी खड़े होके देखे गुरु जी का स्वरूप, गुरु जी की शब्द कीर्तन चल रहा है, हमने बुक्स रखी ऐसे, यू नो, जैसे ऐसे किया हमने। और जनवरी में मार्केट्स खुली और अनप्रेसिडेंटेड एक कोर्ट ने ऑर्डर दिया और वहां पर सब ठीक हो गया। इसी बीच में क्या हुआ कि एम ब्लॉक मार्केट वालों ने कोई साथ नहीं दिया, हमने SHO से परमिशन ली, सब कुछ किया, बट वो उन्होंने एक रुपया नहीं लगाया उधर, कि किसी ने कोई पैसे नहीं खर्च किए वहां पर। तो और बिजली भी नहीं दे रहे थे, तो हमने जनरेटर मंगवाया अपना। गुरु जी की करनी तो देखो, गुरु जी भी बड़े स्मार्ट है इस मामले में, कह रहे हैं कि पहले तो उन्होंने हमने जनरेटर मंगवाया, और जब जनरेटर मंगवाया उसकी बेल्ट टूट गई, फिर मैंने कहा दूसरा जनरेटर आ गया, दूसरा जनरेटर उसकी भी बेल्ट टूट गई, एकदम फ्रेश बेल्ट मेरे को। फिर वहां से बिजली हमने चुराई और एम ब्लॉक मार्केट की बिजली से हमारा सत्संग पूरा हुआ, कॉफी मशीन जो भी लगना था। तो गुरु जी को भी मालूम है इंच बार में सीधी ऐसे नहीं है तो ऐसे चले। बात इसकी नहीं है कि उससे फर्क नहीं पड़ता गुरु जी को, बट एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कि आपका एक भाव होता है। तो इस तरीके से आज सारी एम ब्लॉक मार्केट में आप जाओगे जी के वन की, सारों के आप ना गुरु जी की फोटो लगी होगी एवरी शॉप, है ना, वेरी हैप्पी है, वेरी प्राउड। मुझे तो बड़ी खुशी होती जहाँ देखे, पर हमको भी डिस्काउंट नहीं मांगते जाके। आज तक कोई गुरु जी की फोटो लगी, मैं तो कभी भी जिंदगी में डिस्काउंट ना मांगू ना, मैं जय गुरु जी वहां जाके करती, पता है वो कहेंगे डिस्काउंट मांगने के लिए जय गुरु जी ना कर रही, उसमें टेंशन के बारे में करती ही नहीं, मैं ऐसे ही कह देती हूँ। मैं पूछा चार भी गुरु जी मांगते हैं जी, बस ठीक है, किसी ने पहचान लिया अलग बात है और बोल दिया, अदरवाइज हम नहीं मांगते, वो जितने का देते हैं उतने का ही ले लेते हैं। सो क्योंकि उसने भी तो बेचारे ने कमाना है ना, हम ऐसे थोड़ा ना डिस्काउंट मांगते हैं। इसलिए कहते हैं कि गुरु जी भी कहा करते थे कि बिजनेस में बिजनेस दी तरीके ना करो। ऐसे एक बार गुरु जी हम बैठे हुए थे, तो एक पॉलिटिशियन है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, तो वो कहती है, गुरु जी कहते हैं एंजना सुन, मेरा नाम लेके ना तेरे को 50% कोई डिस्काउंट मंगेगा, कि ऐसी गुरु गुरु पाई है गया जो भी है, तू ना डिस्काउंट ना करी, बिजनेस में बिजनेस तरीके ना करी, है ना, बिजनेस बिजनेस होता है, अलग चीज होती है। कह रहे अच्छा, थोड़ी हम लंगर खा के बाहर थे, तो वही पॉलिटिशियन जी बाहर वो कहते हैं कि अच्छा आपके पास चॉपर्स है, मेरे इलेक्शन आ रहे हैं तो मुझे इलेक्शन के लिए चॉपर चाहिए। तो उसने बोला कितने कैसे, हमने कहा पर आवर के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो कहते नहीं 50% डिस्काउंट दे दो मुझे, ऐसा इतने में मेरे को कर दो। तो बाहर अंदर तो गुरु जी हमें बोल रहे थे कि ये होना है और ऐसे ऐसे होगा। बाहर जैसे ही आए उसने ये बोला, तो बोला नहीं जी हम तो रेट लगाते हैं, हमने भी वो थोड़ी ना खोला हुआ, हमें ये। तो हम हंस पड़े कि गुरु जी को हर बारीकी मालूम है कि कौन कौन सा सवाल पूछने वाला है। अब वो तो अंदर से हम बाहर थे, उसने तो ना गुरु जी से पूछा कि मैं डिस्काउंट लूँ या ना लूँ, बट गुरु जी को पता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये मत सोचना कि गुरु जी आपके, आज भी गुरु जी को पता है कि आपके दिमाग में जो आने वाला ख्याल है वो भी क्या है। तो ये मत सोचना कि गुरु जी सुन नहीं रहे, गुरु जी देख नहीं रहे, गुरु जी को सब पता है, आपके अंदर की सारी बातें पता है उनको, आपके फीलिंग्स पता है, आपके ख्याल पता है। बिना बात के सेवा करो, इशारों में भी की जाती है सेवा। सो ये मत सोचना कभी कि उनको नहीं पता होती है, हर चीज उनको मालूम है, आपके मन की फीलिंग्स। आप अकेले, मैं एक बड़ी अच्छी सी एक स्वीट सी बात सुनाती हूँ। रिसेंटली मैं कभी कभी सोचती हूँ कितनी गुरु जी की मेहर है। मैं ऐसी उदास बैठी थी एक दिन, कभी कभी उदास आज हो जाते हैं, मैं थोड़ी ना सारा टाइम स्माइल चिपका चिपकू के घूमते हैं हम, कभी लो मोमेंट्स भी आते हैं हमारे लाइफ में। तो ऐसी मैं ऐसी चुपचाप ऐसी बैठी थी उदास, ऐसे
पता नहीं क्या सोच रही थी क्या नहीं, सोच भी नहीं रही थी, बस ऐसी उदास थी बड़ी, कट ऑफ यू नो। तो घंटी बजती है फोन की, साइड में मैं देखती हूँ कि एक अननोन नंबर है, और अननोन नंबर मैंने उठाया नहीं क्योंकि अजीब सा नंबर था वो, कई बार आपको वो आते ना अलर्ट होते हैं, तो वो वहाँ आया तो उसमें फ्लैश क्या किया, ट्रू कॉलर था मेरे पास, तो फ्लैश क्या किया कि नीचे जो ट्रू कॉलर का नाम जो क्या था पता है, बी हैप्पी। एंड आई वाज लिटरली, मैं कहती हूँ ना मैं कितना लो फील कर रही थी, घंटी बजी, ऐसा कोई नाम ही नहीं होता बी हैप्पी, उसमें नीचे लिखा है बी हैप्पी। मैं इतना मुस्कुराई, थोड़ी देर बाद वो घंटी बंद हुई तो एक संगत का फोन आ गया, अच्छा ऐसा है इधर फलाना सत्संग है, एक डेट डिसाइड कर लो, दिल्ली से बाहर का सत्संग है, ये डिसाइड कर लो ये कर लो। मैंने कहा अच्छा रुक जाओ मैं करती हूँ, वो मैं वो सत्संग की बातें उसके साथ करती रही और वो सारी प्लानिंग करती रही, कहाँ मेरा लोनेस और कहाँ मेरा मूड कहाँ खराब हो गया। उसके बाद एक और फोन आ गया, उसके बाद एक और संगत का फोन आ गया, वो प्लानिंग करते करते शाम हो गई। मैंने कहा अच्छा आई वॉज फीलिंग सो लो, मुझे लिखा बी हैप्पी एंड आफ्टर वर्ड्स ऑल द संगत कॉल ने सत्संग 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 कर दिया। तो उनको आपके हाले दिल पता है, उनको आपके अंदर की हर बारीकी पता है, भावना पता है, तो इसलिए कभी भी हताश नहीं होना। और ये मत कहना गुरु जी देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं, इसकी तो सुन ली हमारी तो सुनी नहीं, इसको तो बी हैप्पी का मैसेज आ गया, सामने तो कभी भी नहीं आया यू नो। बट उनके अलग अलग तरीके हैं, आपके फोन आ जाएगा कोई गाना ही सुन लोगे, जैसे मैं उस दिन हंस रही थी हम लोग सत्संग के लिए रेडी हो रहे थे, तेरा ये शिवरात्रि का, ये ना सारी छोटी सी जुगत होती है जिसके साथ बीतती है ना उसको बड़े उसका तार छिड़ जाता है। मैं उस दिन ऐसी तैयार हो रही थी, जैसे हम कहते हैं लिपस्टिक लगा रही थी, लास्ट में तैयार हो रहे थे, और पीछे मेरा जो रूम है उसके पीछे यू नो सर्वन क्वार्टर्स हैं बड़े सारे लंबे हुए, तो किसी ने गाना लगाया जिन्हें मेरा दिल लुटिया, जिन्हें मैनू मार सुटिया, क्योंकि वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है गुरुजी के लिए, मैंने गुरुजी के लिए इस पे डांस भी किया हुआ है। तो मैं लिपस्टिक में मुझे हंसी आ जाए, मैंने कहा ये तो कभी चला ही नहीं, किसी ने चलाया ही नहीं गाना, और स्पेसिफिकली मैं कहा ठीक है यार गुरु जी जिन्हें मेरा दिल लुटिया है ना, मैंने कहा तुसी साडे लिए गा रहे असी तुहाडे लिए गा रहे। सो ये जुगत की बात होती है, कनेक्शन की बात होती है, आपके साथ भी कोई ना कोई ऐसी चीज है जो आपको आपको पता है कि आप कैसे फील कर रहे थे और कैसे। मैं तो यहाँ तक तो कहती हूँ कि हम गुरु जी के पास आते आते आई थिंक मेरे को 14 ईयर्स हो गए सत्संग करते हुए, आई थिंक 2007 से लेके अभी तक जितने भी साल हो गए, मैंने देखा है लोगों को बदलते हुए, मैंने मुरझाए लोगों को, सबसे नेगेटिव लोगों को मैंने ऐसा खिलते हुए देखा है कि अब वो कभी उनके क्या चेहरे पे वही, हाँ सभी के चेहरों पे मुस्कुराहट होती है। कईयों के साथ मेरी बड़ी सालों की जर्नी है और मैंने सबको बदलते हुए देखा है, चाहे वो रूप रंग हो, चाहे उनकी पोशाक हो, चाहे उनका बोलने का अंदाज हो, चाहे उनका कॉन्फिडेंस हो, सारा चेंज गुरुजी लेके आए, क्या कॉन्फिडेंट बना दिया। कोई मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाती हूँ कि हमारे घर के सामने आंटी रहती थी मित्र आंटी यू नो स्वीटी की मम्मी, उनका ना वो ना जब हमने सत्संग शुरू किया, मैं आपको काया पलट की बात बताती हूँ उसके बाद मैं चाहूंगी कि कोई और भी सत्संग करे। सामने वो रहती थी तो उनका ना पूरा घर जो था पूरा कवर्ड था, जैसे कोई जेल के अंदर रहता है ना। हमसे मैंने आज तक उनसे जिंदगी में कभी बात नहीं की थी, कितने साल मुझे रहते हुए हो गए थे 5-6 साल, मैंने कभी उनकी शक्ल भी ढंग से नहीं देखी थी, किसी कौन रहता है इसके अंदर। जब गुरुजी का सत्संग शुरू हुआ तो मैंने बोला कि चलो अब किसको बुलाऊं, क्यों पता ही नहीं थी संगत ही नहीं, कोई थी नहीं संगत, तो मैंने बोला नेबर्स को ही बुलाती हूँ, मैं उनके घर गई तो मैंने कहा अच्छा। धीरे धीरे वो मेरे घर आने लगी सत्संग पे, धीरे 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 उनकी काया पलट हुई, धीरे धीरे उनका मकान इतना सारा बड़ा बन गया, और वो हर सत्संग में जाती रही, एवरीथिंग चेंज्ड। कहाँ वो पिंजरे में कैद, वो कहती है मेरी तो गुरुजी ने 2-360 डिग्रीज लाइफ चेंज की है, क्योंकि हस्बैंड नहीं थे तो कह रहे कहाँ मैं नाइटी में घूमने वाली बंदी और साड़ी में बैठ के कहाँ कहाँ हम सत्संग करने नहीं गए, चंडीगढ़ गए, दिल्ली का हर कोना हमने देखा, और वो आंटी की काया पलट होते हुए मैंने देखी, उनका घर उनका जीवन सब पलट गया। सो ये गुरु जी की मेहर है कि आपको घरों से निकालते हैं, कहने का मतलब ये है।
और स्वीटी भी अब वो जलंधर में है, वो यूट्यूब पे अपना सत्संग सुनेगी। आंटी की ऑफ कोर्स डेथ हो गई, बट वेरी लविंग, बहुत प्यार वाली और दिल खोल वाली। सो कहाँ से कहाँ आप बंद कितना रहते थे और एकदम देखो खुली हवा में गुरु जी ने कहा था सांस लो, है ना। तो ये सारे हमारे जीवन में गुरु जी ने सबके अंदर बदलाव लाया। सांसें नहीं भी होती है, बंदा कहता है चल जय गुरु जी निकलते जा, और सत्संग में भी जाओ, मंदिर भी जाते हो, सेवा भी करते हो, गुरु जी आपको कितना, आप सब खिल जाते हो, है ना। मैं हमेशा कहते हैं वो ना गाना, रोते हुए आते हैं सब, है ना, हंसता हुआ जाएगा। सो हम रोते हुए पैदा तो होते हैं, हम सत्संग में भी कभी अपना दर्द लेके आते हैं, बट गुरु जी आपको खिल के भेजते हैं, है ना। और बोलते हैं, इसीलिए कहते हैं कि बस गुरु जी मिल गए, एंड थैंक यू गुरु जी फॉर एवरीथिंग। बहुत सारा आपका थैंक यू कि हमें बुलाया और आप हमारे जीवन में आए, नहीं तो हम रुल जाते हैं, हमें पता नहीं, हमारे कोई था नहीं होती, हमारे को कोई पूछने वाला नहीं होता गुरु जी अगर आप ना होते। सो थैंक यू सो मच दिल से गुरु जी। और ऐसी संगत आपको खूब सारा प्यार करते रहे, आप तो करते ही हो पर आप भी करते रहना, हाँ, डोंट फॉरगेट अस। सो हमें भूलना मत, और हम भूलने भी नहीं देंगे वैसे आपको, सत्संग कर कर बुला बुला के ना, हम उनको नाक में दम कर देंगे उनके, क्योंकि सारा टाइम सत्संग करते बोला कल ही खा देंगे। सो ये प्यार है, ये प्यार की एक भावना है। उनके साथ आप कोई भी बात कर सकते हो, आप गुरु जी के साथ कोई भी बात कर सकते हो। आपको किसी से प्यार हो गया, गुरु जी मुझे से प्यार हो गया, शादी करा दो मेरी, टूट गया रिश्ता गुरु जी, चलो वो कोई बात नहीं। मतलब एनीथिंग, मैं आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ कि आप अपने दिल की बात गुरु जी को कह सकते हो। ये बोला मेरा हस्बैंड बड़ा तंग कर दे, मेरी वाइफ बुरी तंग कर दी है, जो भी अपना हाल का दिल हाल है वो बता सकते हो। ये गुरु जी की मेहर है कि सुनते हैं और जवाब भी बड़ा जल्दी से देंगे, सटीक सा देंगे, एक लाइन में फटाफट, कुछ नहीं ज्यादा कहानियां नहीं। मैं उठे गई, गुरु जी ने मैनू ऐ क्या, और मैनू ऐ दर्शन देते, और गुरु जी के दर्शन, ये फोटो इतनी बढ़िया है, ब्रेसलेट्स में कितने गुरु जी हैं, और मेरे शरीर में थोड़ी ना गुरु जी घूमते रहेंगे, है ना। अब कोई ना कोई साइन तो बनेगा, इसके अंदर एक सिलवट आ गई, वो एक साइन बन गया, पर उसका ढिंडोरा नहीं बिकता, वो एक आपकी ब्लेसिंग है। आप ले रोटी में ओम बन गया, अच्छी बात है, लोग उठौली और रोटियां देख रहे, अच्छी बात है, वो आपकी ब्लेसिंग है, आप खाओ, बट उसका ढिंडोरा नहीं पीना, क्योंकि वो आपके मायने रखता है। मेरे मुंह में तो निवाला नहीं आ रहा ना उस रोटी का, जिसकी जो ब्लेसिंग है उसको एंजॉय करो, दिखाने की जरूरत नहीं। अब हमें गुरु जी ने कैसे कैसे क्या ब्लेस किया, दिखाने की जरूरत क्या है, वो तुम्हारे अंदर है, हम क्यों बताए। आप अपनी ब्लेसिंग बताओ, भी नहीं बताओ, हम भी नहीं बताए, बट सत्संग बता सकते हैं कि गुरु जी कि कैसे कैसे हमारी काया पलट की और कैसे कैसे हमारा जीवन बदला। सो गुरु जी की शरण में जो भी आता है, और हम यही अरदास करते हैं गुरु जी की, जैसे सबकी काया पलट हुई, यू नो हमारी काया पलट हुई सबकी हो, सबके जीवन में रस हो, मुस्कुराहट हो, है ना, मुस्कुरा दे कोई भी मुस्कुरा तो मुस्कुरा दे अच्छे से, पीछे साध्वी तू भी मुस्कुरा दे, कौन नहीं मुस्कुरा रहा, जो लंगर खा रहे बेचारे मुस्कुराए ना, उधर रोटी बाहर निकलाई लंगर बेचारे, ठीक है। सो बहुत सारा प्यार आप सबको, और बहुत सारा कहते मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में, और खूब सारा प्यार करो गुरु जी से, खूब सारा। ये मत सोचो ठीक है गुरु जी कर दे नहीं साडा काम, है ना, गुरु जी आपकी वो चीज करते हैं जो दुनिया में कोई आपका नहीं कर सकता। पैसे से तो आप कपड़े खरीद लोगे, पैसे से हर चीज खरीद सकते हो, बट अंदरूनी खुशी नहीं खरीद सकते, एक सेटिस्फेक्शन नहीं खरीद सकते, एक ठहराव नहीं खरीद सकते। तो इसलिए ये जो गुरुजी दे रहे हैं ना, कि ज्यादा है तब भी ठहराव है, कम है तब भी ठहराव है, ये सबसे बड़ी बख्शीश। सो थैंक यू बोलना है गुरुजी का, और खूब सारा प्यार करना है उनसे, यू नो लाइक मैड, बट ये नहीं कि अपना घर बार भी भूल जाओ, ओके okay? प्यार करो, बट ये ना कि बाकी लोगों को तुम साइड में कर दो, उसके गुरुजी को अंदर से प्यार करो और बाकी अपनी ड्यूटीज करो।